फेंक दिए क्या? थोड़े फेंक दिए। बाहर खाते हैं आलू और टमाटर। देख रहे हो कि नो? जी के गांव में जरा अचार इसे उम्मीद थी। कोई दिक्कत नहीं, इसे पे मामला ना दोबारा बंद रखो। तो प्रकाश का परावर्तन के आप लोगों ने पढ़ लिया था, आज पढ़ेंगे कि दर्पण क्या होता है। क्या पढ़ना है? दर्पण का मतलब शीशा है ना, दर्पण का मतलब शीशा, जिसमें हम लोग क्या देखते हैं सुबह सुबह। दर्पण को अंग्रेजी में आप लोग क्या कहते हैं? मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं? तो दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? अरे सर, उसको लपेट रोल करके इसीलिए हम रखे थे। आज आप फिर अपने पेज बर्बाद कराएंगे, टेक समय भी तो जाएगा। नहीं, इसीलिए तो रोल करके दे जाएगा, इसको सर रख दीजिए सही सलामत। अरे आप वैसे भी सादे पेज थे, नहीं फेंकना था, सादे पेज थे। चलिए जो तो दर्पण का मतलब जिसके हम क्या करते हैं, दर्पण किसके बने होते हैं? किसी कांच के खोखले गोले। किसके बने होते हैं? किसी कांच के खोखले गोले। और खोखला गोला भी कैसा होता है? अच्छा, कांच पारदर्शी होता है कि अपारदर्शी होता है? सामान्य कांच। पारदर्शी का मतलब जिसमें प्रकाश इस पार से उस पार जा सके। सीधी सी बात, जैसे मैं अगर एक लेंस को भी आपको दिखाना चाहूं, तो ये लेंस कैसा है? पार लेंस ही है ना, पारदर्शी है कि अपारदर्शी है? क्योंकि हमने देखा था कि जब भी हम इसमें लाइट डालते हैं तो इस पार से उस पार निकल जाती है। तो जो एक दर्पण बने होते हैं ये किसके होते हैं? किसी कांच के खोखले गोले। कौन से गोले? अच्छा कांच नहीं, ये अच्छा किसका गोला है? इसे खोखला है कि नहीं? मान लो करे किसका गोला होता? कांच का होता। अब बताओ ये किसका खोखला गोला हो गया? कांच का खोखला गोला। और इस गोले को हम क्या कर दें? काट दें। क्या कर दें? काट दें। काटने के बाद अच्छा बताओ, इस गोले को अगर आप काटोगे तो एक ऐसी सरफेस काटोगे, थोड़ी अगर हम कहते कितने से काटा, कितने से काटा, ये तो इतना भाग अलग हो जाएगा। अब इसमें तुमको दो भाग दिखेगी अगर काटोगे तो, एक कैसी होगी? ऐसी अंदर दबी हुई, दूसरी तरफ कैसी होगी? अगर इसको काट के अलग करो आप तो कैसा होगा? ऐसे ही तो अलग होगा, एक अंदर की ओर दूसरी तरफ उभरा हुआ, दो ही तो होगा। देखो रुको, ये नहीं ना कपिल शर्मा का शो तो नहीं देख लियो, बाबा जी का टुकड़ा नजर आ रहा हो ना। तो कहने का मतलब ये क्या है? कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग। अब इसमें हम क्या है बताओ? पॉलिश कर सकते थे, पॉलिश हमारी इच्छा अनुसार। पहले देवी जी का मन, हम किधर की ओर पॉलिश करें? किधर करना चाहते? कर लो इधर की ओर। ये जैसे ही इस भाग पे पॉलिश कर दी तो बताओ प्रकाश किधर डालोगी? डालोगी ना। अगर इस भाग पे पॉलिश कर दोगे तो किधर डालोगी? तो प्रकाश किधर से परावर्तित होगा? इस भाग से। अच्छा, इस भाग पे प्रकाश डालोगी तो क्या इस पार जा पाएगा? नहीं। क्यों नहीं जा पाएगा? क्योंकि देवी जी ने क्या कर दिया है? पॉलिश। एक तो ये हो गया, हमने इधर पॉलिश कर दिया, इस भाग पे क्या डालना है? दूसरा तरीका क्या हो सकता था हम लोगों का? हम इसको क्या करते? इस भाग पे पॉलिश करते। किस भाग पे? इस भाग पे पॉलिश कर दे। इस भाग का मतलब कौन सा भाग है? उभरा हुआ। किस भाग पे पॉलिश कर दिया? उभरे हुए भाग पे। अब प्रकाश किस भाग पे डालोगे? दबे हुए भाग पे। अच्छा वो कांच वांच वो भी बचा था कि वो भी टूट गया है? तो वो ले आ यार। देखो हमारे पास दो दर्पण, कितने दर्पण हैं? दो। ये कौन सा दर्पण है? ये उत्तल दर्पण है। कौन सा है? उत्तल। और ये कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। पता ही हो गया, एक उत्तल है तो दूसरा। अच्छा अभी एक हम दर्पण लेके आएंगे, वो कौन सा है? समतल।
घर में भी जो दर्पण लगा होता है कौन सा होता है? अच्छा नाई के यहाँ दाढ़ी बनाने जाते हैं वो कौन सा दर्पण होता है? समतल नहीं होता है, अवतल होता है। कौन सा होता है? बाद में बताएंगे कैसे होता है, ठीक है। अरे यार टूटा उल्टा वाला शीशा कहाँ गया? ये कौन सा दर्पण है? अगर हम इसको अलग करें निकालें पीछे क्या होगी? पॉलिश। इसमें देख लो एक भाग पे क्या है? कांच है। इधर क्या हो गई है? पॉलिश। किसका कर दिया? लाल ऑक्साइड। किसका? जिंक ऑक्साइड, लाल ऑक्साइड या कुछ भी एक प्रकार का पदार्थ डाल दिया जिससे क्या हो? प्रकाश इस पार से इस पार नहीं जा पा रहा। देखो इधर चले, अगर हम इस पे कोई भी लाइट डालते हैं तो बताओ क्या होगा? वापिस लौट रही ना? क्यों लौट रही? क्योंकि हमने इधर क्या कर दिया है? इससे पॉलिश ना होती। इसमें पॉलिश है, अब इसमें डालो तो क्या होगा? इस पार से उस पार निकल जाएगा। तो इसका मतलब जिसमें पॉलिश होगा प्रकाश इस पार से उस पार नहीं जाएगा। तरीका क्या था? दो तरीके थे। हमने इस खोखले गोले को काटा, काट के इसको अलग किया। एक बार अंदर की ओर पॉलिश कर रहे हैं और एक बार पता नहीं चलता है क्यों। ये गोला बहुत छोटा है, इसको काटोगे तो तुमको दिखाई देगा ऐसे मुड़ा हुआ, लेकिन कोई बहुत बड़ा गोला हो इतना बड़ा और उसका इतना सा भाग की ओर काटो, कितना सा? इतना सा मतलब ये। तो बताओ क्या पता चलेगा गोला है? लेकिन अभी आप लोग छू के देखो, ऐसे लगाओगे तो ऐसे लगेगा मुड़ा हुआ है और ये ऐसे लगेगा ये पूरे बहुत बड़े गोले का क्या है? ये छोटा सा हिस्सा। और हमने इसको काट कर क्या किया है? अलग किया। काटा जैसे उस हिस्से को अलग किया, ये देखो कि दबे हुए भाग के वाले से उंगली की जरूरत चलाओ, अंदर गड्ढा नजर आ रहा है? देखो देखिए अंदर गड्ढा है। अच्छा इसमें उंगली चलाओ, हाँ उभरा हुआ है इसमें। तो इसमें किस भाग पे पॉलिश है? दबे हुए। चलो हम पहले बना लेते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? मार्कर कहाँ रख दिए? दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? पहला कौन सा पढ़ेंगे? हमने कहा था दर्पण किसके बने होते? किसी कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग होते। कौन से भाग? हमने कांच का खोखला गोला बनाया। किसका खोखला गोला? ये गोला ये है, रोटी वाला व्रत नहीं है, ये गोला है। क्या है? गोला। इस गोले को अगर इसमें दिखाना तो ऐसे दिखाओगे? देखो हम कहते गेंद बनानी है, गेंद बनाओगे तो कैसे बनाओगे? यही ना, क्या वास्तव में यहाँ गेंद दिख रही है? यहाँ तो अगर रोटी रखी हुई है ना, कहने का मतलब ये गोला है अंदर धस गया है, ठीक है। तो यहाँ भी क्या है? एक कांच का खोखला गोला, हमने इसको क्या कर दिया? काट दिया। काटने तरीके हमारे दो थे, काटने का तरीका एक ही है, पॉलिश करने के। अच्छा हम इसके किस भाग पे पॉलिश कर रहे हैं? उभरे हुए भाग पे। अच्छा हमने एक दूसरा गोला लिया, इसको भी हमने क्या कर दिया? बोलो, काट दिया। इसको भी क्या कर दिया? इसके किस भाग पे पॉलिश कर रहे हैं? अच्छा इसके उभरे हुए भाग पे पॉलिश कर दिया, तो प्रकाश किस भाग पे डालोगे? दबे हुए भाग पे। इसमें किस भाग पे प्रकाश डाल रहे हो? बात समझ पाए? क्या जिस भाग पे पॉलिश करते हो उधर प्रकाश डालते हो? नहीं डालते हो। सीधी सी बात है, हमारे पास कितने दर्पण हैं? दो हैं। कौन कौन से? उत्तल और ये कौन सा है? छूके बताओ, दोनों छू। कौन सा उभरा कौन सा दबा है? ये वाला उभरा। सब लोग आराम से देखते चले जाओ, पकड़ो सबको दिखाओ, दोनों एक एक तरफ से, एक उभरा एक दबा ना, आराम से देख लो कि बताना। तो कहने का मतलब एक हमने क्या किया है? उभरे हुए भाग पे पॉलिश किया है और एक में दबे हुए भाग में पॉलिश किया। तो जिसके उभरे हुए भाग पे पॉलिश कर देंगे, किस पे? ये किस भाग पे पॉलिश किया हमने? इस दर्पण को कहेंगे अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? देख के उसमें सोच लेना कौन सा अवतल दर्पण होगा, कौन सा उत्तल। अभी पूछेंगे बता के बताना है, लिखा नहीं ऐसे बताओगे। देखिए इसमें किस भाग पे पॉलिश किया है? कौन सा? तो ये कौन सा दर्पण हो जाएगा? तो उत्तल दर्पण की परिभाषा क्या होगी? जिसके दबे हुए भाग पे प्रकाश का परावर्तन किस भाग से हो? उभरे हुए। अवतल दर्पण में क्या कर दे? जिसके और प्रकाश का परावर्तन दबे हुए भाग से हो। अच्छा सबने देख लिया दर्पण, इसमें तुमको किस भाग पे पॉलिश दिखी थी? एक में और एक में। पता चल रहा था कि ऐसे हम बता दियो,
पता चल रहा था ना जी। देवी जी पता चल गया था जी। पीछे पता चल गया जी। दोनों देवियां पता चला और पीछे इधर तीन चार पांच मूर्ति सबको पता चल रहा ना जी। नहीं चल रहा है ऐसा उंगली चला रहे पता तो नहीं चला भाई। कंचन पता चला कुछ बताओ। अच्छा एक दर्पण कंचन को दो कोई एक दे दो पहले एक ही लेना है एक 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 ही हाँ। अब ये बताओ कौन सा है ये उत्तल उत्तल है। अच्छा ये किसी और को एक बार दो वो भी आप भाई बताए पक्का करे कि वही है उत्तल। इनको आगे वाली देवी पकड़ा दो बताओ उत्तल उत्तल ही पक्का एकदम हाँ लो साथिया पकड़ो गुड। ये कौन सा दर्पण है क्यों क्योंकि इसके हमने किस भाग पे पॉलिश किया हुआ है उभरे। अच्छा इसके हमने उभरे भाग से पॉलिश कर अभी पहले क्या बोली पहले कौन सा दर्पण बोली थी उत्तल बोली थी ना अभी कौन सा है कौन सा ये देख के बताओ इन सबको कौन सा दर्पण है ना कटा दे पूरी पहले पहले हमारी मम्मी जो है वो छोटे थे जब कोई हरकत करे नाक कटा दो एक तो नाक कटा दी कैसे नकता की नाक कटी अढ़ाई इतना रोज बार है कई बार कहीं बार कट कॉटन का ही हो फिर पांच छह दिन बाद पूछी मम्मी के नाक बढ़ गया तब हाथी सूंड के बराबर हो जाती चाहिए वो ही नहीं है। फिर उसके बाद पता है क्या होता है क्या होता है हाँ में जो होता है वो रसीद हो जाता है। अच्छा एक कहावत सुनी कि नहीं सबने किसने सुनी है ना कहते ना जिसकी नाक कट जाती उसकी बहुत बढ़ती है स्पीड में नाक कट गई तो क्या तो सबको पता चल गया ना देवी जी कौन सा दर्पण है हम समय पास कर लें थोड़ा सा नहीं तुम लोगों को पता ही नहीं चल रहा है हम तो सब बताते हैं कौन सा दर्पण देख के बताओ उत्तर दर्पण कौन सा होगा जिसके किस भाग पे पॉलिश करेंगे और अवतल कौन सा होगा देख के बताओ कौन सा दर्पण है किस अच्छा किस भाग पे पॉलिश है किस भाग पे पॉलिश है देख लो एक बार किस भाग पे पॉलिश है दबे हुए भाग पे तो कौन सा दर्पण होगा कैसे देख लो देवी दोनों दर्पण है एक ये और एक ये दोनों ये कौन सा दर्पण है ये भी ये उभरा है देखो ना उधर से छुपाया करो तो इधर से छुप लिया करो जिधर से कांच है नहीं किधर छुप कौन सा दवा है गुड और ये उभरा है। अच्छा इसमें क्या कंफ्यूजन चल रहा है सबको क्या पता चल रहा है ना सबको उखला पता चल रहा है ना एक उठाया और एक दबा हुआ तो जिसके उभरे हुए भाग पे पॉलिश है वो कौन सा होगा उत्तल और जिसके दबे हुए भाग पे पॉलिश है वो उत्तल होगा। अकवास क्या हुआ कंफ्यूज तो नहीं हो कोई बात नहीं ये जिस खोखले गोले के कटे हुए भाग होंगे जिस गोले के कटे हुए भाग होंगे उसका केंद्र होगा कि नहीं होगा उसका एक केंद्र होगा कि नहीं होगा केंद्र से घबराना नहीं ये क्या है केंद्र नहीं गोला है ये क्या है। अच्छा इस गोले में इसके अंदर कोई एक ऐसा बिंदु तो होगा जिससे इसके चारों तरफ की दूरी बराबर होगी हो सकती कि नहीं इसके अंदर कोई एक ऐसा बिंदु हो सकता है जिससे चारों तरफ की दूरी क्या होगी अंदर एक बिंदु ढूंढ सकते हो नहीं टूट पाओगे नहीं टूट सकते। हम क्या करेंगे इसको देखो दोनों तरफ से मेजर करेंगे मिड पॉइंट लेंगे फिर इसको ऐसे डाला
है ना, इधर से भी डाला, फिर दोनों के बीच का सेंटर देखा, वो जो सेंटर होगा वो क्या होगा, गोले का केंद्र। बताओ ये वाला सेंटर क्या होगा, केंद्र होगा। अच्छा यहाँ से बताओ, इस गोले के चारों तरफ की दूरियां आपस में बराबर होंगी कि नहीं? जी सर। इधर जितनी दूरी होगी उतनी इतनी इधर, इतनी इधर, हर तरफ किसी भी बिंदु पे जाए तो दूरी कैसी होगी, बराबर। इसी बिंदु को हम क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? तो कोई आपसे केंद्र पूछे तो केंद्र का मतलब क्या होता है, जहाँ से चारों तरफ की दूरियां क्या हो, चारों तरफ क्यों, सब तरफ। जैसे मैं कह दूं, मैं एक ऐसी जगह पे हूँ, मैं कह दूं आप इस कमरे का केंद्र बताओ, कमरे का केंद्र। अच्छा कमरे का केंद्र जैसे मैंने कहा, तो आपके मन में क्या आना चाहिए कि मतलब उस जगह से इस दीवार की सारी दूरियां कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। इधर उतना, इधर उतना, उधर उतना, इधर उतना, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो क्या हम कोई ऐसा बिंदु फाइंड कर सकते हैं? तो याद रखना, सर्किल में कर सकते हो, गोले में, किसमें, लेकिन चतुर्भुज में नहीं। इसमें एक ऐसा बिंदु कर सकते हो जिसमें क्या होगा, आमने सामने की दूरियां, जैसे हमारा कोण रखा हुआ है लगभग इतनी दूरी पीछे और इतनी दूरी आगे, उतनी दूरी दाएं उतनी है कि नहीं, तो इसका केंद्र तो यही हो गया एक तरीके से, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छा इस बुक का केंद्र बताओ कहाँ पे होगा, बीच में होगा। क्यों बीच में होता है, क्योंकि तुमको लगता है यहाँ से सब दुनिया क्या है, बात समझ पाए। तो किसी चीज का केंद्र का मतलब क्या, कि उस बिंदु से उससे चारों तरफ की दूरी कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, बहुत लोग कहते हैं कि हम जो है रहने वाले, जैसे हम लोग यहाँ पे हैं, अब हम लोग समझ लो अगर लखनऊ जाना हो या अयोध्या जाना हो तो दोनों के बीच कहाँ पे हैं, बीच में है ना, तो एक तरीके से क्या कह सकते हैं, केंद्र में है। लगभग अयोध्या की दूरी भी 70-80 किलोमीटर है और लखनऊ की दूरी भी 60-70 है, तो एक तरीके से मान सकते हैं कि कहाँ पे है, केंद्र में है। तो केंद्र का मतलब जहाँ से सब तरफ की दुनिया कैसी हो, बराबर हो, कैसी हो, बराबर हो। सब बहुत बकवास हो गई ना, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये क्या हो गया, केंद्र को किससे दिखाते हो, सी से, एक बार केवल सी, दो बार ना करना, ना एक बार जोर लगा के करना, क्या बोल सर, कौन सा रोप है, रस्सी वाला, भैंस बता दीजिए आपकी इच्छा मिल जाए, देख रहे हो सर है? ये इसका क्या होगा, सेंटर होगा, क्या होगा, सेंटर। से परिधि की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, कौन सी त्रिज्या, क्या कहते हैं, त्रिज्या। दुनिया में कोई चीज दो ही तरीके से हो सकती, या तो एकदम सीधी हो या कैसी हो, या सीधी नहीं तो कैसी होगी, टेढ़ी होगी, सीधी नहीं होगी तो, दो ही तो हो सकता है, या तो सीधी है या तो सीधी नहीं। जैसे मैंने कहा ये कैसा है, सीधा, और अब टेढ़ा हो गया, टेढ़ा ये सीधा। अच्छा अब इस पे अगर हम एक तरफ पॉलिश कर दें है ना, तो कौन सा दर्पण बनेगा, और अगर मैं अब इसके उभरे हुए भाग पे पॉलिश कर दूं तो कौन सा दर्पण बनेगा, और इसके दबे हुए भाग पे पॉलिश कर दूं, इसका मतलब सीधा टेढ़ा हो सकता कि नहीं। तो जब सीधा था तो इसको सीधा कहते, क्या कहते हैं, सीधा। और जैसे ही हल्का ऐसे हुआ तो इसको कहते हैं वक्र हो गया, क्या हो गया, अंग्रेजी में कहते हैं वक्र, अंग्रेजी में कहते हैं कर्व, क्या कहते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं वक्र, क्या कहते हैं, वक्र। तो कोई चीज या तो सीधी हो सकती है, कैसी हो सकती है, या वक्रित हो सकती है, कैसी हो सकती है, वक्रित। कैसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि मतलब डिजाइन से ऐसे ही बने, ये भी क्या है, वक्र है, क्या है, वक्र। ये भी 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 क्या, ये भी क्या है, सब वक्र है। वक्र का मतलब जो सीधा ना, वो क्या होगा, वक्र। अच्छा बताओ ये वक्र है कि नहीं, तो इस वक्र की है क्या है,
त्रिज्या, इसलिए इसको कहते हैं वक्रता त्रिज्या। कौन सी त्रिज्या? वक्रता त्रिज्या। समझ पाए? इसका नामकरण कहाँ से हुआ है? यहाँ भी इसका क्या होगा? कहीं पे सेंटर होगा। इस सेंटर से इसकी परिधि के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? इसकी वक्रता त्रिज्या। त्रिज्या, त्रिज्या किसे लिखते हैं? त्रिज्या को अंग्रेजी में रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियस। रेडियस का पहला अक्षर क्या होता है? आर। आर होता है। तो इसका मैं उसको किससे कहेंगे? आर से। फिर एक दिन मैंने बताया था कि हम इसको काट के क्या करते हैं? अलग करते हैं। काट के जहाँ से अलग करते हैं, यहाँ इसका द्वारक कहलाता है। क्या कहलाता है? द्वारक। अच्छा, द्वारक का मतलब जहाँ घर समाप्त हो जाए, वही तो द्वार है। यहाँ द्वार कहाँ पे? जहाँ से घर हम चलना चालू किए, तो यहाँ सेंटर था, यहाँ से इधर गए, तो ये क्या समाप्त हो गया? ये भी समाप्त हो रहा है। तो ये इनके क्या है? द्वार। क्या है? इसका मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है? अगर मैंने एक दर्पण काटा तो ध्रुव कहाँ होगा? ये ना, ये क्या होगा? ध्रुव होगा। और ये इनके क्या होंगे? द्वारक होंगे। क्या होंगे? ये द्वारक हो गए। इधर पॉलिश कर दिया, तो बताओ, अच्छा ये ध्रुव है तो इसका सेंटर कहाँ होगा? ऐसे तो बोला, रहा होगा ऐसे तो, रहा होगा। हमने काट के अलग किया तो सेंटर ऐसा होगा। पहले इसमें सेंटर कहाँ पे होगा? बीच में कहीं होगा, इस जगह पे। बताओ सेंटर से ये वाली दूरी क्या हो गई? वक्रता त्रिज्या। क्या हो गई? वक्रता। अच्छा वक्र क्यों? क्योंकि ये वक्र है। अब ये क्या है? सीधा। क्या है? सीधा। मैं बढ़ाना चालू करता हूँ, देखो बहुत आसान है चीज। देखो मिटाऊं, गोला अगर छोटा करना हो तो उसको मोड़ोगे कि फैलाओगे? बोलो। गेंद है, छोटी है, देखो बहुत ऐसे है ना। अगर यही फुटबॉल लाए होते तो हमको हाथ कैसे करना पड़ता, उस पे लगाते हैं, ऐसे होता। और बड़ी कोई चीज होती तो लगभग एकदम सीधा हो चुका होता। और मान लो कमरे के बराबर कोई फुटबॉल होती, हो सकती? नहीं हो सकती। अच्छा उसमें पता, किसी जगह पे हाथ लगाओ भैया तो एकदम जो ना सीधा हाथ लगता। मैं कहता हूँ हाथ हटा लो यार, हाथ वक्र कहाँ है? हाथ तो सीधा है। क्या वास्तव में सीधा है? नहीं है। कैसा है? क्यों? क्योंकि अगर पूरा चलाया जाए तो तुम्हारा ऐसे होगा, नहीं हो सकता है। फिर से समझो, जैसे तुम बैठे झूला झूल रहे हो, झूला झूलते हो रस्सी पे, ऐसे लटकी हुई है उस पे तुम बैठे, तो तुमको क्या लगेगा? पूरी बॉडी शेप पे लगेगा यहाँ से बैठे हुए भाई, है ना। लेकिन अगर एक चींटी चल रही हो उस पे तो उसको तो ऐसे लग रहा होगा, बीच में कहीं पहुंची तो ऐसे धीरे धीरे चल रही, सीधा नहीं चल रही होगी। बहुत चलने के बाद उसको ऐसे ऐसे करना पड़ा होगा, ऐसे तो होगा। तो चींटी के लिए बताओ सबसे पहले कैसे लोड होगी? एकदम सीधी होगी। देखने वाले का नजरिया है। अभी तुम्हारे हाथ में क्या कमरे के बराबर फुटबॉल था, तुमको हाथ कैसे लगाना पड़ा? ऐसे है? अभी यहाँ पे हम किसी को एक राक्षस को उठा लेते हैं, जो मतलब जो है पेड़ बराबर लंबा होता, कितना बराबर लंबा होता, और उसके हाथ ही कमरे के बराबर चौड़े होते। अच्छा बताओ वो हाथ अब कैसा लगाता? उसमें कैसा लगाता? तो वो कैसा कहता? वो कहता वो कैसा है? तुमने सुना होगा ना बचपन में कि चार अंधे थे, कितने अंधे थे? चार। और चारों अंधों को एक हाथी दे दिया गया भाई, मतलब उनके सामने एक हाथी रखा गया, हाथी रखा नहीं गया, हाथी अपने आप ही आ गया होगा। अब वो हाथी छू रहे हैं सब, और छू छू के अपना अलग अलग बता रहे हैं। एक आदमी हाथी की सूंड पकड़ रहा है, बहुत बड़ी कोई रस्सी है मोटी वाली, एक कान पकड़ा बता रहा सूप है, मतलब हाँ हाँ, एक जो नहीं मतलब पूंछ पकड़ा तो रस्सी बता रहा, एक सूंड पकड़ा तो कोई पाइप वाइप बता रहा, कान पकड़ रहा तो बता रहा सूप है, कोई उसके उस पे जो पकड़ लिया तो बता रहा कोई जो है बहुत बड़ा डरम वरम है। अब अच्छा तुम बताओ है क्या हाथी है? उसमें क्या हुआ? नजरिया, क्योंकि देख नहीं रहे वो तो केवल क्या जो जो उनको नजर आया बता रहे, क्या उनकी कोई गलती है उसमें? जिनको कान हाथी का मिल जाए तो कैसा है वो? कैसा है? पूंछ मिल गई तो कैसे, सूंड मिल गई हाथ डाले तो चलो भाई भाई का मतलब कोई जीन इन बिछाए हुए हैं। देखो है। तो वास्तव में है क्या? लेकिन चार अंधे चार चीजें होता है दुनिया में ना, जैसे हमने कहा बहुत बड़ी फुटबॉल, वो तो बताएगा नहीं ये तो ऐसा है, तुम कैसे बता रहे हो? एकदम सीधा है। तो कोई चीज एकदम सीधी हो सकता? तुमको बहुत चीज एकदम सीधी नजर आ रही। अच्छा बताओ ये सीधा है? हा?
हम कहते ये बहुत बड़ा पेड़ ऐसे था, किस पेड़ पर, पेड़ एक बहुत मोटा पेड़ था वो ऐसे घुमा हुआ था भाई, ऐसे पेड़ देखे कि नहीं देखे, ये पेड़ बहुत मुड़ा हुआ है, बीच में इतने से एक पटरा निकल आएगा तखत बराबर भाई। अब बताओ वो पटरा तुम लेके घर में आ जाओ, तुम कहोगे बहुत लंबे सीधे पेड़ की थी, तो क्या सीधे पेड़ की है वो, कैसे वाले की, ऐसे, क्योंकि तुमने कितना यूज किया जो उसका सीधा भाग था, बात समझ पाए, तो कोई सीधी नहीं, सब कैसी है, वक्र जैसी, कैसी है, गुड। अच्छा हमने कहा देखो इसका सेंटर कहाँ होगा, नजदीक होगा ना, बड़ी बॉल ले लेंगे उसका सेंटर कहाँ होगा, और बड़ा कमरे की बॉल ले लिया तो सेंटर, और दूर पूरे स्कूल के बराबर बॉल ले ली, सेंटर। अच्छा लेकिन एक चीज बताओ, पहले हाथ ऐसे था, ऐसे 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 बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा ना, तो सेंटर भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, नहीं बढ़ रहा, बात समझ पा रहे हो, गुड। अब हम लोग आगे समझते हैं, ये इसका क्या हो गया, ध्रुव, ये इसका क्या हो गया, सेंटर, जिसको क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं, क्या कहते हैं, और ये क्या है, वक्रता, त्रिज्या, तो कोई वक्रता त्रिज्या तो पता है, तो आप क्या बताएंगे, सी से पी की दूरी क्या होती है, सी से पी मतलब सी से पी की दूरी आर कहलाती, क्या कहलाती है, सी पी आर, याद कर लोगे, सी पी आर, सी पी आर का मतलब सी से कहाँ जाओगे, पी तक, तो क्या कहोगे, सी का मतलब वक्रता केंद्र से कहाँ तक, ध्रुव तक, वक्रता केंद्र से कहाँ तक की दूरी, क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या, क्या याद करोगे, सी पी, वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी, वक्रता त्रिज्या, बोर्ड में एक एक नंबर में आता है, याद रखना कि वक्रता दर्पण की वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, एक नंबर में आ गया, क्या लिखोगे, दर्पण के वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी वक्रता त्रिज्या, नहीं हो जाएगा। अच्छा अभी मैंने बताया था ये कौन सा दर्पण है, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण, इसमें क्या डालोगे, प्रकाश, दर्पण काहे के लिए बना है, प्रकाश डालेंगे ना इसके लिए, ये देखो हमने एक चीज और बताया था तुम लोगों को, याद रखना कुछ बारीकियां है केवल याद रखनी, तुमको देखो तुम्हारा चेहरा क्यों दिखाई दे रहा है, हां कहने का मतलब हमको कोई चीज कब दिखाई देती, मैंने एक शर्त बताई थी देखने के लिए, क्या बताया था, हमको दरवाजा क्यों दिखाई दे रहा है, ये साइंस ही आपको तो सिखाती है, दरवाजा तो सबको दिखता है, बकरी चराने वाले भी दिख रहा होगा, मेड़ जो छील रहा होगा उसको भी दरवाजा दिखेगा, तुमको भी दिखेगा, लेकिन तुम आगे क्या कहोगे, हमको दरवाजा क्यों दिख रहा है, तो आप क्यों दिख रहा बताओगे, तो क्या कहोगे, कोई भी प्रकाश इस पे पड़ता है, फिर वो प्रकाश इस पे पड़ने पर क्या होगा, टकराकर वापस हमारी आंखों में आता है, फिर आंख उसकी क्या बनाती है, इमेज बनाती है, फिर हमको क्या करती है, दिखाई देती है। अब फिर अगला प्रश्न होता है कि दरवाजा हमको कैसा दिखाई दे रहा है, कैसा दिखाई दे रहा है, बुरा है ना, और ये बुक कैसी है, ये भी बुरी है, बदल लिया जाए भाई, ये कैसी है, अरे है ना, बॉल कैसी दिखाई दे रही है, अरे दिखाई दे रही, दरवाजा कैसे दिखाई दे रहा है, बुरा दिखाई दे रहा है, और ये कागज का पेज कैसा है, दिखाई दे रहा, एक भूरी दिखाई दे रही, हरी दिखाई दे रही, सफेद दिखाई दे रही, इनकी टोपी दिखाई दे रही, यह तो दुनिया मजूबा क्या है ना, पढ़ा होगा ना, सात रंगों से मिलकर है, तो सात रंग दिखाई दे रहे हैं कि नहीं, सब लोग देख सकते हैं, कारण क्या, तुमने बताया था कि सूर्य का प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना है, कौन कौन से, विज्ञोर में याद किया था ना, बैनी आ पीना ला, नहीं याद किया था, अरे किसी भी तरीके से याद किया था, याद है कि नहीं है, इतना तो याद ही होना चाहिए ना, विव ये क्या है, बैंगनी, क्या है, बैंगनी, ये क्या है, इंडिगो, पता नहीं क्या क्या है, सब एक ही जैसे होते हैं, नारंगी बैंगनी सब ना, वायलेट बैंगनी होता है ना, अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको, वायलेट कहते हैं, क्या कहते हैं, ये क्या है, ब्लू, क्या है, ये ग्रीन, ये येलो, ये ऑरेंज, और ये रेड, बात समझ पाए, तो ये सात रंग होते हैं। अच्छा बताओ, हमने कहा प्रकाश आया, ये सात रंग अगर मिला दो, क्या मिला दो, एक में मिला दो,
घर में लाओ सात रंग मिला दो, तुमको एक नया रंग बनेगा। स्वेत, स्वेत का मतलब सफेद, व्हाइट। इसलिए प्रकाश किरण कैसी, व्हाइट कैसी है, व्हाइट। और ये जैसे इस पे पड़ी, पड़ने के बाद क्या हो सकता है, बहुत सारी कंडीशन हो सकती है। पहली कि इसने छह रंगों को छुपा लिया, कितने रंगों को छुपाया, छह, और बाकी एक रंग निकाल लेगी भूरी वाली, ये हमारी कहां तक आ रही, तो ये कैसा दिखाई दे रहा है। अगली बार किस पे पड़ रही बोलो, प्रकाश आ रहा है इस पे पड़ रहा है, सारे रंगों को इसने रख लिया, कहां नहीं जाने देंगे, कौन सा रंग तुम्हारी आंखों तक जाने दे रहा है, अगर हरा जाने दे रहा है तुमको कैसी दिखाई देगी, होता है वास्तव में, क्योंकि ऐसे इनका कोई कलर ही नहीं होता है। मैं कमरा बंद कर दूं, रात अंधेरा हो जाए, इनका ये लाल रह जाएगा, नहीं रह जाएगा, इनका ये नीला रह जाएगा, दरवाजा क्या ब्राउन रह जाएगा, नहीं रह जाएगा, कोई रंग है इनके, तो इनके रंग क्यों हैं, क्योंकि इनका कोई रंग है नहीं। रंग किसका है, प्रकाश का, वो आता है इस पे पड़ता है। हाँ, इनके अंदर गुण होता है, कौन सा गुण, कि इस पे पड़ेगा ये केवल हरा निकलने देगा, बाकी रख लेगा। अब बता तुम्हारी आंखों तक कौन सा कलर पहुंच रहा, हरा पहुंच रहा, तो तुमको कैसा दिखाई दे रहा, हरा। टमाटर रखा हुआ तुमको कैसा दिखाई दे रहा भाई, लाल। अब उस लाल वाले टमाटर पे हरी टाच मारो, हरी वाली जाकर लाल नहीं दिखेगा, कैसा दिखेगा, हरा भी नहीं दिखेगा, काला काला दिखेगा। अब बताओ एक ही टमाटर है, कितने टमाटर, ऐसे सामान्य ऐसे रखा हुआ कैसा है, लाल है, हमने उसको हरी रोशनी में दिखा, कैसा दिखाई दे रहा भाई, दिखाई दे रहा, कैसा दिखाई देता है। अब बताओ टमाटर की कोई गलती है, टमाटर का कोई रंग नहीं है, उसने क्या किया, जब स्वेत प्रकाश, बताओ जब ये रंग पड़े टमाटर से तो कितने रंग, सारे थे, इन्हें सबको रख लिया, कौन सा रंग जाने दिया, तुमको कैसा दिखाई दिया। अगली बार तुमने कौन सा प्रकाश डाला, केवल कौन सा डाला, हरा। अच्छा इसके अंदर कौन सा गुण है टमाटर के अंदर वापस करने का, फिर से मैंने कहा स्वेत प्रकाश डालने इसमें कितने रंग सब है साथ, इसने टमाटर से कौन से रंग को निकलने दिया, अरे देखो लाल निकलने दिया, कौन सा निकलने दिया, तो तुमको कैसा दिखाई दिया। अगली बार तुम टॉर्च लेके आओ हरी, कैसी है हरी। उसमें और कोई कलर नहीं है, क्योंकि इस प्रकाश में तो सारे कलर हैं, उस हरी टॉर्च में और कोई कलर नहीं। अब वो टमाटर पे डाल लो, समझो अब उसको हमने टमाटर पे डाला, टमाटर के अंदर कौन सा गुण है निकालने का, लाल, तुम कौन सी कलर डाल रहे हो, तो क्या वो हरी को वापस कर पाएगा। और अगर कोई प्रकाश तुम्हारी आंखों तक ना आए तो तुमको कोई चीज कैसी दिखाई दे, कोई प्रकाश तुम्हारी आंखों तक आए ना तो कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। रात में क्या होता है, अच्छा बताओ क्या प्रकाश इस पे पड़ता है तो क्या तुम्हारी आंखों तक आता है, तुमको कैसा दिखाई देता है। अब बताओ टमाटर पे कौन सा प्रकाश डाला, टमाटर वापिस कौन कर सकता है, वापिस कौन करेगा, लाल। डाला कौन सा, तो क्या हरा को वापिस करेगा, तो क्या टमाटर हरा दिखाई देगा, तो कैसा दिखाई देगा, बात समझ पाए नहीं समझ में आया। हरी घर में टार जाओ, मेला वेला जाओ ले लो, टमाटर पे मारो, टमाटर कैसा दिखाई देगा, काला। समझ में आ जाएगा क्यों, क्योंकि टमाटर हरे रंग को वापिस कर ही नहीं सकता। अब कहते सर पत्ती तो हरी दिखाई देती है, फिर पढ़ाने की पत्तियों में क्या पाया जाता है, क्लोरो, और क्लोरोफिल के कारण पत्तियां कैसी होती हैं, क्लोरोफिल के कारण होती नहीं। क्लोरोफिल क्या करता है, क्लोरोफिल के पास ये गुण होता है कि प्रकाश उस पर पड़ता है तो सारे रंगों को रख लेता है, और कौन सा रंग निकलने देता है, इसलिए कैसा दिखाई देता है। अब पत्ती सूख गई तो कहो सर पत्ती तो सूख गई, तुम्हारा काय नहीं, पत्ती सूखी क्लोरोफिल समाप्त, और वो वाला गुण खत्म, पत्ती हरी दिखाई देगी। समझ पाए कोई चीज, अच्छा फिर अब कहो के ये खड़क सिंह का क्या नाम तुम्हारा, हरदेश, अगर परदेश भी चले जाएं तो कहने मतलब इनका ये शर्ट कैसा रहेगा, अच्छा कारण क्या। अब जैसे मैंने कहा ये सफेद दिखाई दे रहा, आप लोग क्या कहोगे, इसका मतलब प्रकाश इस पे पड़ रहा और सारे के सारे रंगों को भेज रहा, सारे के सारे भेज दिया तो कैसा दिखाई दिया, कोई भी ना भेजे तो कैसा दिखाई देगा, बोलो काला, कोई भी ना भेजे तो, और सारे भेज दिया तो, अगर कोई एक भेजे तो,
जो भेजा वही दिखाई दे रहा। अब समझ पाए दुनिया कैसी क्यों दिखती है? कहाँ गया देखिए। अच्छा इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं इतनी बात में? पास आके बहुत बातें हो गई ना। अभी तो हम लोगों को क्या कराना है कि ये कौन सा दर्पण है। हमने कहा कि अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कौन सा? फोकस सबसे आसान तरीका है, उस पर क्या भेजो? प्रकाश। क्या भेजो? प्रकाश। अच्छा इसके किस बात पे पॉलिश कर रहे हैं? इसलिए कौन सा दर्पण है? ये कौन सा दर्पण होगा? क्यों? हाँ इसके जैसे क्या है सेंटर है ना, ये दर्पण के द्वारक का नाम क्या रखते थे? एम और अच्छा भगवान को नहीं बैठिए तो क्या दिक्कत है? अरे ये क्या है? इसका सेंटर है। सी से पी तक की दूरी क्या कहलाती है? सी से पी तक की दूरी सी पी आर है ना। अच्छा हमने बताया था सी और पी, सी और इनसे होकर एक रोड बना दो भाई, डामर वाली पहने वाला ये एक नेशनल हाईवे गुजार दो जो कहाँ से होकर जाएगा? सी और दौली और अगर इससे होकर जा रहा है तो इसका क्या कहना है? मुख्य मजाक नहीं, परिभाषा कई बार एक नंबर में आई, कितने नंबर में आती है? कि दर्पण की मुख्य अक्ष क्या होती है? क्या तो आप तुरंत बताएंगे मुख्य अक्ष क्या है जो कहाँ से होकर जाए भाई? सी और तो ऐसे बोलना है दर्पण के वक्ता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली बोलो ये क्या है? रेखा। क्या कहलाएगी? मुख्य रेखा। कोई नाम नहीं जो हमने खींची करे ठीक है, तो रेखा कहाँ गई? तो रेखा क्या है? सी और पी से होकर जाने वाली रेखा क्या कहलाती है रचना? ठीक है याद रहेगा। इसमें भी बता दो अच्छा मुख्य अक्ष कौन सा होगा, कहाँ से गुजार दें? सी और ले जाओ भाई, कहाँ से रखोगे? है एकदम सीधी ठीक है, मान लेना। कैसी है ये? मतलब बुबुआ ऐसे बिकता है। ये आपके बुआ लड़के हैं ना, तभी तो आपको लेनी है। हम लोग क्या हम लोग बुआ की मजाक करते हैं? तो यहाँ दिक्कत है, जब बोर्ड मजाक करते थे तो आपको कैसे बुलाएंगे? बताइए बढ़िया उसी समय लग के साथ सी और बी से होकर जाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? मुख्य अक्ष कहलाएगी ठीक है। इसमें हमने क्या रखा है? एक प्रकाश। प्रकाश किरण क्या डालते हैं हमने? एक प्रकाश किरण के कैसी प्रकाश किरण है बताओ? मुख्य अक्ष के समांतर। अच्छा समांतर का बोलता हमने बताया जब दोनों के बीच की हमेशा कैसी हो? एक जैसी हो ना। तो ये बताओ ये प्रकाश किरण कैसी? मुख्य अक्ष के अच्छा ये दर्पण में टकराएगी तो क्या इस बार चली जाएगी? नहीं जा पाएगी, टकरा कर वापिस लौटेगी। अच्छा लौटने के बाद ये कहीं मुख्य बात नहीं ये मुख्य अक्ष के किसी बिंदु को काट रही कि नहीं काट रही? कहाँ काट रही? काट रही जहाँ आग नहीं आग ये जहाँ पे काटी हमने इसको पॉइंट बना लिया भाई, और इसी को नाम देते हैं एफ। क्या कहते हैं? और एफ का मतलब क्या है? मुख्य फोकस है। अच्छा इसमें भी यही कहानी है, हमने एक प्रकाश किरण कैसी भेजी? मुख्य अक्ष के क्या
इस पार से उस पार जा पाएगी? नहीं। ये क्या करता है इसको बाहर की ओर फिर से मोड़ के फैला देता है। जब लौटती है तो हमको क्या लगता है, हम इसको पीछे की ओर बढ़ाते तो हमको लगता है ये मुख्य अक्ष के किसी बिंदु से होकर आ रही है। देखो ऐसे देखना है, देखो ऐसा लगेगा क्या, ये मुख्य अक्ष के किसी बिंदु से होकर अगर आंख यहाँ लगाओगे भाई, आंख ले जाओगे कहाँ ले जानी तुम्हें, ये आंख लगाओ यहाँ। अब यहाँ पे आंख लगा के देखो तो तुमको ये क्या लगेगा कि मुख्य अक्ष के इस बिंदु से होकर आ रही नहीं आएगी। देखिए इसमें देखो आंख यहाँ लगाओगे तो इसमें तुमको क्या दिखेगा कि मुख्य अक्ष के इस बिंदु से होकर जा रही, क्या हो रही है जा रही। और इसमें क्या दिखेगा मुख्य अक्ष के इस बिंदु से होकर आ रही। दोनों में अंतर है ना, जैसे मैं अगर जहां से चलना चालू करूंगा तो मैं क्या कहूंगा कि मैं कहां से आया, घोड़े के पास से आया। अगर मैं दरवाजे के पास से आता हूँ तो तुम लोग क्या कहोगे मैं कहां से आ रहा हूँ, दरवाजे से आ रहा हूँ। लेकिन अभी मैं कहूँ कि मैं दरवाजे से तो आया ठीक है, लेकिन इस सीट से होकर जा रहा हूँ, इस सीट से होकर जहाँ से चलना चालू करूंगा तो मैं क्या कहूंगा मैं कहाँ से आ रहा हूँ, दरवाजे से, और कहाँ से होकर जा रहा हूँ, होकर जा रहा हूँ। यहाँ भी देखो भाई कहानी है, ये आती तो यहाँ से है लेकिन कहाँ से होकर जा रहे, मुख्य फोकस से होकर। अच्छा ये आंख लगाओगे तो तुमको कहाँ दिखेगा कि मुख्य फोकस से होकर, क्योंकि क्या इसके और पहले से और कहीं पहले होती तो हम कहते नहीं मुख्य फोकस से होकर जा रहे, लेकिन इसका चलने का तो स्थान कहाँ से है मुख्य, इसलिए इसमें क्या कहते हैं मुख्य फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती है। क्यों प्रतीत होती है, क्योंकि प्रकाश किरण इधर जा क्यों नहीं जा पाई, क्योंकि यहाँ पे क्या है यहाँ पे क्या पॉलिश है, इसलिए आराम से चला गया। अच्छा आप बताओ कोई पूछे कि दर्पण का मुख्य फोकस क्या होता है, कौन सा देखिए फोकस मुख्य फोकस, तो बताओ क्या बताओगे कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश। यहाँ दर्पण में क्या हुआ बोलो, परावर्तन हुआ, दर्पण में क्या हुआ है परावर्तन, के पश्चात कहाँ से जा रही है मुख्य फोकस से ना, इसमें मुख्य फोकस से होकर आती हुई वही दर्पण का क्या कहलाएगा मुख्य, क्या कहलाएगा एक नंबर में ये दिया था याद कर लेना, क्या कहलाएगा मुख्य फोकस। फिर से समझाते हैं, हमारे पास कितने दर्पण है भाई दो, इस दर्पण में मुख्य फोकस दिखाना संभव क्यों, क्योंकि प्रकाश किरण उधर जाएगी ही नहीं। इसमें तो देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं, देखा जाए प्रयास करते हैं हम लोग, दरवाजा हल्का बंद करें, बत्ती भी बाद में लगाना भी है, इसमें बत्ती लगाओ थोड़ा, वीडियो पास करो, वीडियो पास करो, पास करना आता है ना। देखो हमने कौन सा दर्पण देखा है बोलो, अवतल दर्पण, कौन सा दर्पण प्रकाश किरण कैसी भेज रही है मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, और मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण। अच्छा एक किरण को हम अगर इसमें मुख्य अक्ष बनाना चाहें तो आपको ये पता होना चाहिए मुख्य अक्ष वो होगा जहाँ से होकर जाने वाली प्रकाश किरण उसी माध्यम में वापिस, ये लाउड भाई ना सीधा, तो ये क्या होगी इसकी अब बताओ इसमें एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के किसी भी, ये वाली तुमको सेट करनी है बता दूंगा, ये ऐसे रखनी है कि वापिस उसी माध्यम में लौट रही है, ये देखो इधर सीधा है देखो सही है ना, तो देख लिया वो हाल है वो हाल ले लो देख यो को भाई ये बोल रही है वो भी बाबू इधर बैठ भाई आ नहीं पा देखो अच्छा दोनों पहला भेज रहे, दोनों कहीं पे काट रहे हैं एक दूसरे को जी, कहां काट रहे हैं
अरे देवी जी काटती है दूसरे को कहीं काट रही कहाँ काट रही है जहाँ पे काटेंगे उसका क्या होगा देखो ये प्रकाश किरण कैसी है मुख्य अक्ष के यहाँ से देखो कैसी है मुख्य अक्ष के ये मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण जब दर्पण में पड़ी तो इनका क्या हुआ परावर्तन और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पे मिल रही कि नहीं मिल रही है कहाँ पे मिल रही है तो जहाँ पे मिल रही है उसका क्या कहलाएगा मुख्य मुख्य क्या कहलाएगा मुख्य होगा एकदम परफेक्ट नहीं होगा स्टैंड होना चाहिए ना हाथ में ब्लड सर्कुलेशन की वजह से कांपते रहेंगे अगर एकदम सेट कर दिया जाए तो आप लोग आराम से देख सकते हो तो कहने का मतलब यहाँ भी तुम वही काम कर रहे हैं जो समानता परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जा रही अच्छा मैं दूसरा लगाता हूँ ये हमारा कौन सा दर्पण है ये अवतल है तभी तो सामने फोकस मिला अगर अवतल होगा तो क्या सामने मिलेगा नहीं मिलेगा और इसमें दिखा नहीं सकते केवल कल्पना कर सकते हो कल्पना करो ऐसी भेजना है मुख्य अक्ष के अब तुमको जो भेज रहे वो प्रकाश किरणें नहीं देखना है कौन सी देखना जो आ रही है कौन सी अच्छा आने वाली तुमको क्या लग रही है फैली दिख रही ना इधर अगर इनको पीछे बढ़ाओ तो किसी बिंदु पे मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी देखिए जी सामने आसमांतर है इधर क्या है देखो फिर से बात इधर की और इनकी दूरी क्या होती जा रही है अगर इधर दूरी बढ़ रही है पीछे मिल रही होगी पास हो रही होंगी तो अंदाजा एक लगाना कि जैसे मान लो मैं कहता हूँ कहाँ गया हमारे साथ जानो अगर कोई प्रकाश किरण ऐसी ऐसे ऐसे वापिस आ रही टकर ध्यान से देखो ये क्या पीछे मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी क्या सामने मिलेंगी नहीं लेकिन अगर पीछे इनको बढ़ाएं तो क्या लगेगा तुम्हें ऐसे बढ़ा रहे हैं इसका मतलब क्या होगा ये किसी एक बिंदु से होकर आ रहे हैं तो यहाँ भी वही सोचो तुमको बढ़ाना है कल्पना करनी देख के बताना है कि क्या कोई ऐसा भी हो सकता है देखो ध्यान से देखो सामने तुमको फैलती दिख रही ना अब इनको अगर पीछे बढ़ाओ तो कोई बिंदु दिख सकता है अंदाजा लगाओ पीछे कहाँ तक हो सकता है अगर पढ़ाओगे और पहले मिल जाएंगे कहाँ मिल जाएंगे अगर हम बाहर ले जाएंगे तो देखो सब कुछ समांतर है ना लेकिन जैसे ही अंदर को लाते हैं प्रकाश किरण क्या हो रही फैल जा रही बात देखो क्या हो जा रही है यही काम होता है दर्पण में देखो प्रकाश किरण भेजते हो अगर आकर क्या हो रही बोलो यहाँ भी बाहर क्या हुई फैल गई इसको जो पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो कहाँ साथ सीखेंगी मुख्य बस समझ पा रहे हो दर्पण का क्या कहना है मुख्य अभी तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाने क्या बनाने हैं अच्छा देखो अवतल दर्पण में तीन तरीके से प्रकाश आपतित होता है कितने तरीके से पहला तरीका क्या है कि जो प्रकाश किरणें कैसी चलेंगी मुख्य अक्ष के समांतर कैसी चलेंगी देवी जी बताओ जो कैसी चलेंगी मुख्य अक्ष के वो कहां से होकर जाएंगी बात नहीं जो मुख्य अक्ष के समांतर चलेंगी किसके समांतर वो कहां से होकर जाएंगी मुख्य दूसरी प्रकाश किरण हमने देखो एकदम सीधा डाला उसी माध्यम में वापस आएंगे वो एकदम एग्जैक्ट देखना कि एक समय ऐसा आता है कि मैं जैसे डाल रहा हूँ सीधे वापस आती है सीधे वापस का मतलब समझ रहे हो कि टकराई और उसी माध्यम में वापस और उस समय वो ऐसा नहीं कि इधर गई या इधर गई ऐसा हुआ जैसे देखो देखिए टकराकर सेम वैसे लौट रही है तो जहाँ से लौट रही होगी वो उसका क्या होगा ध्रुव होगा देखो क्या होगा और यहाँ जैसे प्रकाश किरण को डालते हैं
और ये हम कह सकते हैं वक्रता केंद्र कहाँ से होकर जाती है, भाई तू कहाँ से होकर जा रही है, वक्रता जब वक्रता केंद्र से होकर जाएगी प्रकाश किरण तो टकराकर उसी माध्यम में वापस, कई सारे तरीके हैं, एक तरीका तो ये देखो ये फोकस है, हमने ये प्रकाश किरण भेजा, अच्छा कहाँ भेज रहे हैं ध्यान से देखो कहाँ से भेज रहे हैं बोलो, वक्रता और वक्रता केंद्र से जब भेजे तो ये टकराई और टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट गई, हो सकता है इसे कहाँ कहते हैं, हम कैसे भी डाल सकते हैं ऐसे देखो हमने डाला ऊपर से भी डालेंगे और एक समय ऐसा आएगा कि उसी माध्यम में लौट जाएगी, ये है जब टकराकर वापिस उसी माध्यम में लौट आए तो हम कैसा मानेंगे बोलो, हाँ कोई कॉपी लगाओ एक थोड़ी सी हल्की देखो ये है ना दो हमने ऊपर से डाली ना हाँ चली गई यार हमारी कोई बात वापिस आ रही है, ऐसा होता कब है जब कहाँ पे जा रही हो, ओके आ गई थी ना आ गई ना, अच्छा बताओ कहाँ पड़ रही है नीचे ना एकदम, अब देखो यहाँ पे हमने सी डाला था समझो, हमने जब कहाँ पे डाला था एकदम नीचे है ना, और टकरा रही थी और पुनः उसी माध्यम में वापिस लौट रही, लेकिन वो स्थिति कब बनेगी जब जाए कहाँ से वक्रता केंद्र, ये भी तो शर्त है हम अलग कहीं से भी डालते हैं तो टकराती तो कैसी होती, देखो नहीं आ रही नहीं आ रही, लेकिन होते 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 हम बढ़ाते गए कहाँ से लाए सेंटर की तरफ, जैसे सेंटर लाए क्या होगी बोलो उसी माध्यम में वापिस, तो आप क्या बताओगे जब प्रकाश किरण कहाँ से होकर जाएगा वक्रता केंद्र से, तब कहाँ लौट आएगा उसी माध्यम में वापिस, पहला क्या है जब मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा तब कहाँ से होकर आएगा फोकस से, दूसरा वक्रता केंद्र से होकर जाएगा तो उसी माध्यम में वापिस, और एक तीसरा भी है, तीसरा क्या है जब कहाँ से चले मुख्य फोकस से होकर जाए, कहाँ से होकर जाए मुख्य प्रयास करते हैं, तीसरा कैसे बोलो जब कहाँ से होकर जाए मुख्य, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं केवल रिवाइज कर रहे ठीक है, कहाँ से होकर जाए ये इसका क्या है ये क्या है सेंटर, ये फोकस, तीसरी बार प्रकाश किरण हम कहाँ से भेज रहे हैं ये कहाँ से होकर जा रही बोलो, जैसे फोकस से होकर गई यहाँ दर्पण में क्या हुआ इसका परावर्तन, परावर्तन के पश्चात कैसी हो गई मुख्य अक्ष के, तो हम क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम इस लेंस पे प्रकाश डालें कहाँ से डालें फोकस से होकर कहाँ से और वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए, तो मैं पहले तो ये देखता हूँ इस लेंस का फोकस कितना है 20 सेंटीमीटर कितना है, इसके अलावा थोड़ा सा देखते हैं 20 सेंटीमीटर कहाँ पे आएगा, जो ये हमारा लेंस है क्या है इस लेंस का फोकस कितनी सेंटीमीटर पे है 20 सेंटीमीटर, कितने पे है 20, पहले 20 सेंटीमीटर तो मेजर कर लिया जाए, इसमें देखते हैं 20 सेंटीमीटर लगभग कितना होगा, हाँ यार कितना कम होगा ये ना, वहां जब खाओगे
वो बुरा खाने में तुमको कहाँ भेजना है पहले से तो बताओ तुम लोग मुख्य और मुख्य फोकस कितने पे है 20 सेंटीमीटर पे ये सारे बढ़ाओ नहीं भेजेंगे तो ये तो थोड़ा बहुत गेस करना पड़ेगा ना हिंदी मार चला भाई तो कहाँ देखा जाए भाई तुम ये आगे बैठी है 20 सेंटीमीटर बताना 20 सेंटीमीटर पर देख लो पेन बताना जब मुख्य अच्छे समाज पर हो जाएगा अब बताओ अच्छा ये कैसी दिख रही है तुमको मुख्य अच्छे नहीं समझ पा रहे एकदम सीधी है अब अगर हम मुख्य अच खींचते हैं ये क्या है हमारी मुख्य इसी से एकदम सीधी देखो कैसे हम मुख्य अच के समांतर होने की कंडीशन क्या है एकदम मुख्य अच के कैसी आनी चाहिए वापस टकरा कर सीधी ऊपर नीचे नहीं जानी चाहिए लोग टकरा रहे और कैसी आ रही है बोलो मुख्य अच्छे वापस नहीं लौटना सुनना सोचना किसके समांतर दिखनी चाहिए मुख्य मुख्य अच्छे एक लोग मुख्य अच्छे वालों को कहते हैं मुख्य अगर कोई नहीं भी वैसे ही लौटे उसी माध्यम में ऐसे लौटानी है और अब देखो हम इसमें जो है मुख्य अच्छे समांतर भेजेंगे लगभग समांतर की ओर है ना लगभग समांतर क्यों हो रहा है ना आ गई लगभग तो कुल मिला के ये है कि अगर एग्जैक्ट स्टैंड लगाकर हम लोग क्या करें सेट करें तो क्या करेंगे अगर कहां से भेजेंगे फोकस से होकर तो टकरा कर क्या होगी बोलो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी ठीक है अब हम लोगों का वीडियो बात करेंगे।